फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दीपक सर और आप सभी को स्वागत करता हूं अपने जीनियस क्लब यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि आरबीआई असिस्टेंट आ चुका है, सीएचएसएल भी है और एग्जाम की फुलझड़ियां लगी हुई हैं इस 2022 में। तो हमने डिस्काउंट पढ़ा था और मैंने आपसे एक वादा किया था, हालांकि बहुत दिन पहले किया था लेकिन जो वादा किया वो तो निभाना पड़ेगा। आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्काउंट के बारे में बात करेंगे, वो है बेस्ड ऑन फ्री आर्टिकल, यानी मुफ्त वस्तु पर आधारित। आपने देखा होगा कि जैसे कि हम लोग मान लीजिए बिग बाजार गए, स्पेंसर गए या फिर मान लीजिए बड़े बड़े शोरूम में जाते तो हमको दिखता है कि यार दो जीन्स ले लो तो उस पर एक जीन्स फ्री, दो टी शर्ट ले लो तो उस पर एक टी शर्ट फ्री, दो अगर लेंगे तो उस पर दो फ्री। तो इस तरीके से जब फ्री मॉल वाला देता है या फिर कोई दुकानदार देता है तो एक्चुअली उसे प्रॉफिट होता है या नहीं, या फिर वो कितना बढ़ाकर अपने कॉस्ट प्राइस से बेच रहा है, उन सब सवालों पर आज हम बात करेंगे और बहुत आराम से बात करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे बिना समय गवाए, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है और हम समझेंगे। एक चीज और समझिए दोस्तों, एक चीज और समझो। अगर मैं आपसे एक बात कहूं और ये समझाऊं कि सपोज करिए ऐसा कहा गया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, ऐसा कहा गया है कि अगर आप 10 मैंगोस खरीदेंगे, 10 मैंगोस खरीदेंगे तो आपको 2 मैंगोस फ्री मिलेगा, ठीक है। 10 मैंगोस खरीदेंगे तो आपको 2 मैंगोस फ्री मिलेगा, ठीक। तो अब हम दो तरीके से बात करते हैं। एक बात करते हैं शॉपकीपर की कॉस्टिंग की, ठीक, और एक बात करते हैं कस्टमर की कॉस्टिंग, ठीक, कॉस्टिंग की, या फिर ये कस्टमर की जो कॉस्टिंग होगी यही तो शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस होगा, ठीक। अब एज अ कस्टमर मैं गया दुकानदार के पास, मुझे दिखा यार 10 आम लेने पर दुकानदार हमें क्या कर रहा है, 2 आम फ्री दे रहा है। तो मैंने कहा भैया हमें 10 आम दे दीजिए, तो 10 आम तो मैंने खरीदा, ठीक, 10 आम तो मैंने खरीदा प्लस मुझे 2 आम फ्री मिल गए, 10 आम मैंने खरीदा प्लस मुझे 2 आम फ्री मिल गया और मुझे कॉस्टिंग कितने पे लगी होगी, तो मैं कहूंगा सर हमें 10 × SP पर कॉस्टिंग लगी होगी क्योंकि बाकी 2 आम तो फ्री है। यानी एज एन कस्टमर मैं 12 आम ले जा रहा हूं, लेकिन कॉस्टिंग तो मैं 10 आम का ही दे रहा हूं जो दुकानदार मांग रहा है। क्यों? क्योंकि उसने कहा है 10 पे 2 फ्री है, तो मैं तो भैया 10 का ही दाम दूंगा ना और 2 साथ में फ्री ले जाऊंगा। ये तो हो गई कस्टमर की बात। अब जब दुकानदार की बात होगी तो उसके पॉकेट से कितने जा रहे हैं, 10 तो वो दिया साथ में, 10 तो वो दिया साथ में, 10 तो वो दिया साथ में 2 आम और फ्री दे रहा है, यानी प्लस 2, यानी उसके पॉकेट से 12 आम गए होंगे, और यही 12 आम तो उस कस्टमर को टोटल मिला के मिल रहे होंगे जहां पे 10 उसे क्या दिया गया है, खरीदा है उसने और 2 से फ्री दिया गया है। तो इस वक्त जो शॉपकीपर की कॉस्टिंग होगी वो कितनी होगी, तो हम कहेंगे 12 × कॉस्ट प्राइस, क्योंकि शॉपकीपर के पॉकेट से कितना गया है, 12 आम गए हैं और उसका दाम 12 आम पर ही लगा होगा। लेकिन एज एन कस्टमर मैं कितना पेमेंट कर रहा हूं, अगर मैं कस्टमर होता तो मैं 10 आम के लिए ही पेमेंट कर रहा हूं जो भी दाम पे उसने बेचा है और 2 आम साथ में फ्री ले जा रहा हूं। तो दोनों सूरतों पे आमों की संख्या तो आपस में बराबर होगी लेकिन हम पैसा कितने पे दे रहे हैं, 10 पे दे रहे हैं, ये चीज क्लियर रखना है, ठीक है। अब हम बिना समय गवाए सवालों पे आते हैं और देखते हैं पहला सवाल क्या है। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे, देखते हैं दोस्तों क्वेश्चंस क्या है, पढ़ा जाए। एक ट्रेडर की 4% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस, यानी एक ट्रेडर क्या करता है अपने मार्क प्राइस पे 4% का डिस्काउंट देता है एंड गिव 1 आर्टिकल फ्री, एक आर्टिकल फ्री देता है जब वो दुकानदार 15 आर्टिकल के ऊपर, यानी अगर आप 15 आर्टिकल खरीदते हैं तो एक आर्टिकल आपको क्या मिल जाता है, फ्री मिल जाता है, ठीक है, बहुत बेहतर। अब पूछा जा रहा है कि मार्क प्राइस कितना ज्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो चलिए बनाते हैं। तो हम एक काम करते हैं, मान लेते हैं सीपी ऑफ ईच आर्टिकल 100। अब अगर सीपी ऑफ ईच आर्टिकल 100 है तो अब थोड़ी सी एसपी की बात कर लीजिए,
तो दुकानदार के पास से कितने आर्टिकल्स लिखने होंगे? मैंने आपको बताया था, तो दुकानदार के हाथ से कितने आर्टिकल्स निकले होंगे? तो आप कहेंगे सर 15 + 1 यानी 16 आर्टिकल्स निकले होंगे, हाँ या ना, यानी दुकानदार ने 16 आर्टिकल्स दिया होगा। तो दुकानदार का टोटल कॉस्टिंग कितना पड़ा होगा? तो हम कहेंगे 100 रुपए करके 16 आर्टिकल्स पे इतनी कॉस्टिंग पड़ी होगी सर दुकानदार की, क्योंकि एक आर्टिकल तो वो फ्री दे रहा है लेकिन उसके पॉकेट से तो वो आर्टिकल जा रहा है। तो एक एक का दाम अगर 100 रुपए है तो 16 आर्टिकल दुकानदार ने बेचे हैं जिसमें से 15 का वो दाम ले रहा है और एक अपने पॉकेट से फ्री दे रहा है, लेकिन दुकानदार के लिए वो कॉस्टिंग पे तो जा रही है, यानी 100 × 16 करके बेचा गया और उसके ऊपर वो 35% का गेन कर रहा है। तो × 135 भाई अगर मैं 100 करूं तो ये मेरा टोटल कॉस्टिंग निकल गया, ठीक है, कितने आर्टिकल का? तो हम कहेंगे सर क्योंकि एज एन कस्टमर को कितने आर्टिकल बेचे गए थे? 15 आर्टिकल बेचे गए थे और कस्टमर ने तो 15 आर्टिकल का ही पेमेंट्स किया था, ठीक। तो अगर मैं एक एक आर्टिकल का दाम निकालूं तो क्या मैं कह सकता हूं डिवाइडेड बाई 15 से अगर मैं कर दूं तो एक एक आर्टिकल का दाम निकल जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 15 से काट दीजिए 9 बार में, यानी एक एक आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा? 144। मैं फिर से समझाता हूं, बहुत अच्छे से समझो, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप दुकानदार बन के सोचिए, आप तो कस्टमर बन के 15 आर्टिकल दे रहे, लेकिन दुकानदार के लिए कॉस्टिंग कितने की लग रही होगी? 16 की लग रही होगी। और एक एक आर्टिकल अगर वो 100 रुपए में खरीद के लाया तो 16 आर्टिकल वो कितने पे खरीद के लाया होगा? 1600 में। उस पर वो 35% का लाभ कर रहा है, यानी ये पूरा जो बेचा कर उसने कमाया होगा इतना कमाया होगा, और उसने बेचे कितने हैं जिसपे उसे पैसे मिलेंगे? तो हम कहेंगे 15 आर्टिकल पे। तो एक का दाम कितना हो गया? 144। यानी इस अनुसार उसने हर एक आर्टिकल को 144 पे करके बेचा होगा, जहां पे 15 आर्टिकल पे वो एक आर्टिकल फ्री दे रहा है। अब फिर मुझसे कहा गया है कि जो मार्क प्राइस है यहां पे डिस्काउंट जो दिया जा रहा है वो 4% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो यार मेरे पास सेलिंग प्राइस है तो हमसे क्या पूछा गया, मार्क प्राइस चलो निकाल लेते हैं। तो मार्क प्राइस कितना होगा? तो 144 144 × 100 डिवाइडेड बाय कितना? 96 डिवाइडेड बाय कितना? 96। यानी काट लिया जाए तो 24 6 जा और ये 4 बार में 4 से काट लीजिए, कितने बार में? 25 बार में। यानी हमारे सवाल का आंसर कितने के बराबर आ गया? 150 के बराबर। यानी हमारे हर एक आर्टिकल का दाम कितना था जो दुकानदार खरीद के लेकर आया था? 100 रुपए। और उसने मार्क प्राइस कितना लगा के रखा? 150 रुपए। तो जो 100 के ऊपर लगा के रखा जाता है तो हम कह सकते हैं कि उसने 50% क्या किया है? अधिक कमाया। यानी उसने जो 50% क्या है अधिक अंकित मूल्य किया है, तो हमारे सवाल का आंसर क्या होगा? 50%। एक चीज अपने दिमाग में बैठा लीजिए, आप कस्टमर बन के पेमेंट तो 15 का करते हैं, बट जब दुकानदार बेचता है तो वो सोचता है अगर मैं जितने आर्टिकल्स फ्री दे रहा हूं मैं उसके ऊपर अपना कॉस्टिंग करूंगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें बहुत आसानी से क्लियर है, जैसा कि मैंने पहले कॉन्सेप्ट में भी दिया था। तो उम्मीद करता हूं सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं एक्स वाई जेड मानने मत जाइए दोस्तों, एकदम सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चनों को पकड़िए, ठीक है। हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, चलिए पढ़ा जाए। ए शॉपकीपर गिव 20% डिस्काउंट ऑन मार्क प्राइस ऑफ ए बुक। एक शॉपकीपर क्या करता है? 20% की छूट देता है मार्क प्राइस पे। ही प्रोवाइड ए पेयर ऑफ बुक, यानी वो क्या दे रहा है, देखिए फिर एक पेयर ऑफ बुक फ्री दे रहा है विद द सेल्स ऑफ 9 बुक, ठीक है। तो आइए सबसे पहले सीपी की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं हर एक का दाम 100 रुपए है ईच, ठीक। तो एज एन शॉपकीपर उसने टोटल कितने पेयर्स बेचे होंगे? ही प्रोवाइड 1 पेयर ऑफ बुक फ्री विथ 9, यानी उसने 10 पेयर बेचा, क्योंकि भैया उससे तो 10 पेयर का ही कॉस्टिंग लेकर चला होगा। तो एसपी की बात की जाए तो हम कहेंगे उसने कि टोटल कॉस्टिंग कितनी पड़ी होगी? 10 × ₹100, इतनी कॉस्टिंग पड़ी होगी उसके टोटल 10 पेयर के लिए, ठीक। इन द होल ट्रांजेक्शन ही मेक ए प्रॉफिट ऑफ 26%, और उसने 26% का प्रॉफिट किया है, यानी × 126/100, यानी इसका टोटल जो, यानी यहां पे इसका जो टोटल एसपी होगा ये होगा। एंड एज एन कस्टमर वो पेमेंट कितने का दे रहा है? 9 पेयर का, क्योंकि 1 पेयर तो फ्री है। एज एन कस्टमर वो पेमेंट कितने का कर रहा है? 9 पेयर का, तो 1 पेयर तो फ्री है। तो अगर मैं डिवाइडेड बाई 9 कर दूं तो हमारा काम तो हो जाएगा दोस्तों, ठीक। तो यहां से देखा जाए, यहां से ये 100 से 100 कैंसिल,
अब यहां से 9 से काट दीजिए, 9 वन जा 9, 9 फोर जा, यानी हर एक का दाम कितना पड़ा, यानी अगर इस अनुसार अगर वो बेचता है कि 9 पेयर के ऊपर एक पेयर ऑफ आर्टिकल क्या दे रहा है, फ्री दे रहा है, तो हमारी दाम कितनी पड़ी हर एक का पेयर का जो कि शॉपकीपर बेच रहा है, तो हम कहेंगे 140। ठीक है सर, 140 पे। अब फिर यहां से कहा गया है 140 में, ठीक है। अब यहां से कहा गया है कि एसपी जो डिस्काउंट परसेंटेज दिया जा रहा है वो कितना परसेंट दिया जा रहा है, 20%। तो चलो ना यार मार्क प्राइस निकाल लेते हैं, तो कितना होगा मार्क प्राइस, तो हम कहेंगे सर 140 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, यानी अगर हम काट दें ये कट जाएगा 7 से और ये कटेगा कितने से, 4 से, और 4 से उड़ा दिया 25, यानी हमारा टोटल मार्क प्राइस कितना हो गया, 175 हो गया, यानी 175। यानी हमने एक एक का दाम कितना लगा के रखा था 100, और दाम एक एक को कितना अधिक करके बेच रहे हैं, तो हम कहेंगे सर 175 मार्क प्राइस यानी लिस्ट प्राइस करके रख रहे हैं, तो कितना अभव रखा है, तो हमारे सवाल का आंसर कितने के बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू 75% के बराबर। कहीं कोई मत चीजें को कीजिए, सिंपल सा लॉजिक है, सवाल बनाइए। एज एन शॉपकीपर आप 10 के ऊपर अपना सेलिंग प्राइस निकाल रहे हैं, टोटल कितना होगा, एंड एज एन कस्टमर आप कितने पे पेमेंट कर रहे हैं, 9 पे पेमेंट कर रहे हैं, सीधी सी बात है 9 से भाग कर दो, एक का दाम निकल गया, तो मार्क प्राइस कितना। ठीक, बढ़ा जाए आगे, देखा जाए अगले क्वेश्चन में क्या है, समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, चीजें क्लियर है दोस्तों, बढ़ा जाए आगे, आई पढ़ा जाए क्वेश्चन में क्या कहा गया। द मार्क प्राइस ए शॉपकीपर मार्क्ड एन आर्टिकल 40% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ही कम अप विद अ स्कीम दैट ऑन द परचेस ऑफ एवरी 8 आर्टिकल्स, यानी हर 8 आर्टिकल्स खरीदने पर एट मार्क प्राइस ही विल गिव 2 आर्टिकल्स फ्री, यानी 2 आर्टिकल वो फ्री देगा। इफ शिवम परचेस्ड 8 आर्टिकल, अगर शिवम ने 8 आर्टिकल परचेस किया है तो बताइए मार्क प्राइस पे, तो पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट या लॉस परसेंट क्या होगा। तो यार सीधी सी बात है, हम एक एक सीपी का दाम 100 रुपए मान लेते हैं, एक का दाम, तो मार्क प्राइस कितना होगा, तो हम कहेंगे सर 140। चलिए ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना निकाल लेते हैं सीपी और एसपी की बात कर लेते हैं, ठीक, सीपी और एसपी की बात कर लेते हैं। तो जो शॉपकीपर है वो हर 8 आर्टिकल के ऊपर 2 आर्टिकल फ्री दे रहा है, तो यानी 100 रुपए कर उसने आर्टिकल 8 बेचे हैं प्लस 2 एक्स्ट्रा दे रहा है, यानी उसकी कॉस्टिंग 10 के ऊपर जाएगी, ठीक है। एज एन कस्टमर मैं 140 पे खरीद रहा हूं, और कितने पर 8 आर्टिकल का पैसा दूंगा, यानी यहां से अगर हम करते हैं तो कितना मिला, 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 140 इंटू 8 इज इक्वल टू 140 88, यानी यहां से काट दीजिए ये कट गया 5 से और ये कट गया 7 से, ठीक, ये काट दीजिए 5 से और ये कट गया 4 से, यानी हमारी टोटल कॉस्टिंग कितनी पड़ी होगी, 25 यूनिट। हमारी टोटल कॉस्टिंग कितनी पड़ी होगी, 25 यूनिट, और आपने बेचा कितने पे है, 28 यूनिट पे, सीधी सी बात है। तो यानी 25 पे आप खरीद रहे हैं और 28 पे आप बेच रहे हैं, तो इसका मतलब यह है आपने यहाँ पे प्रॉफिट कितने यूनिट का किया है दोस्तों, तो आप कहेंगे 3 यूनिट का प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लिया जाए, तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, तो यहां से करेंगे तो बोलेंगे कितना, 3 यूनिट का प्रॉफिट है 25 के ऊपर इंटू 100%, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना हो गया, दैट इज इक्वल टू 12%, यानी हमारे सवाल का आंसर कितने के बराबर हो गया, 12% के बराबर हो गया। सिंपली आप ऐसे बना सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए। यानी हमने सीधे सीधे रेशियो में ले लिया कि 10 पर बेचा जा रहा है इतने पर, तो कितने का प्रॉफिट कमाएगा, यानी प्रॉफिट या लॉस परसेंट पूछा गया था, तो हमारी टोटल कॉस्टिंग तो 10 पे जाएगी ना, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ 8 आर्टिकल तो उसने बेचा है प्लस 2 फ्री दे रहा है, तो एज एन शॉपकीपर 10 के ऊपर उसकी कॉस्टिंग जाएगी, लेकिन एज एन कस्टमर मैं 8 का पेमेंट कर रहा हूँ, ठीक। तो 1000 रुपए के चीज पर मैं पेमेंट कितना किया हूँ, 140 इंटू 8 के ऊपर, तो हमने प्रॉफिट कितना कमाया होगा शॉपकीपर ने, तो हम कहेंगे 12%, यानी हमारे सवाल का आंसर कितना होगा, 12%। तो उम्मीद करता हूं इस तरह के क्वेश्चंस पे बहुत बच्चों को बहुत डाउट रहता है, वो चीजें आज क्लियर हो गई होंगी कि किस तरीके से आप इस तरह से फ्री आर्टिकल पर क्वेश्चन बनाएंगे। और जब भी कभी आप मॉल में जाते हैं तब देखते हैं कि 2 जींस पे 1 जींस फ्री है या 2 टी शर्ट पे 1 टी शर्ट फ्री है, तो आप यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं कि मॉल वाले की कमाई तो है, अदरवाइज वो फ्री इस तरीके से नहीं देगा। तो उम्मीद करता हूँ सवाल समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और शेयर तो बनता है दोस्त, क्योंकि आप लोगों के लिए ही एक एक वीडियो मैं लेकर आ रहा हूं। तो आज के लिए बस इतना ही, टिल हियर, थैंक यू एवरीवन।